वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस, यानी कि आरएफ डिवाइस, जो कि सीसीटीवी सर्विलेंस के काम आता है। जब भी आपको अपना कैमरा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर व्यू करवाना होता है, एनवीआर के साथ कनेक्ट करना होता है, और जब बीच में जो डिस्टेंस होता है कैमरे और एनवीआर के, वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इवन 10 किलोमीटर्स तक होता है, तो उसके लिए हम आरएफ डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो जैसा कि जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, तो हम अभी तक माइक्रोटिक के आरएफ डिवाइस यूज़ करते आए हैं, चाहे वो एसएक्सटी हो या फिर एलएचजी हो, तो हम माइक्रोटिक के ही डिवाइस यूज़ करते थे। बट आज हम आपके लिए लेके आए टेंडा का डिवाइस। तो ये आरएफ डिवाइस है टेंडा का, आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट सीपीई डिवाइस है। 2 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, क्योंकि जो अभी हमने साइट लगानी है वो अराउंड 800 मीटर्स तक का डिस्टेंस हमने कवर करना है, तो वो लेस देन 1 किलोमीटर है। तो हम 2 किलोमीटर का ये डिवाइस लेके आए हैं। तो इस डिवाइस की क्या खास बात है, सबसे पहला तो ये 5 GHz फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और दूसरा जो इसमें एंटीना है 12 dBi है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो 12 dBi का एंटीना सफिशेंट रहेगा। हालांकि LSG में हम 24 dBi तक का एंटीना यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर 12 dBi का एंटीना इज सफिशेंट। जब भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस की बात करते हैं, तो हम ऐसे ऐसे 2 पेयर यूज़ करते हैं। तो एक पेयर को आप लगाओगे NVR की तरफ, और दूसरे पेयर को आप लगाओगे जो आपके कैमराज हैं उनकी तरफ। तो अगर आपके पास IP कैमरे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास DVR है और उस DVR पे कुछ आप IP कैमरे चला सकते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने जो हमारी साइट है उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास 6 IP कैमरे हैं, वहाँ पर पहले से ही एक DVR लगा हुआ है जो कि CP+ का है। जो हमने अभी IP कैमरे लगाने हैं तो वो 6 IP कैमरे लगाने हैं धहुआ के। तो 16 चैनल का DVR है और उसमें ऑलरेडी 10 कैमरे लगे हुए हैं, तो हमने क्या करना है 6 कैमरे बढ़ाने हैं। तो उस DVR को हम क्या करेंगे, XVR में चेंज करेंगे, मतलब कुछ कैमरे हम 6 कैमरे उसमें IP लगाएंगे और बाकी जो 10 कैमरे हैं जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उसको हम एनालॉग ही रहने देंगे। तो 6 कैमरे हम इजिली IP लगा सकते हैं, बट जो डिस्टेंस है वो अराउंड 800 मीटर का है, तो इसी वजह से हमें ये RF डिवाइस लगाना पड़ रहा है। तो इस डिवाइस की हेल्प से क्या होगा, जो IP कैमरे 6 IP कैमरे उनकी जो गोडाउन है जो 800 मीटर दूर है NVR से, वहाँ पर हम लगाएंगे और इन डिवाइस की हेल्प से हम NVR पर सिग्नल ले लेंगे। तो NVR पर जैसे ही सिग्नल लेंगे तो वो आपके TV में डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारे पास है टेंडा का RF डिवाइस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 किलोमीटर आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट CPE। तो मैं इसकी कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 GHz फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, 12 dBi का इसका एंटीना है, देन IP66 प्रोटेक्टेड है बिकॉज इट यूज इन आउटडोर। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। सो गाइज, अब करते हैं इसे ओपन। तो देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास राउटर CPE राउटर टेंडा का, ये देखिए इस तरह से है। और यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो 2 किलोमीटर आउटडोर पॉइंट टू पॉइंट CPE लिखा हुआ है। इसका मॉडल है 02 और इसका लॉगिन IP लिखा हुआ है, यूज़र नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, पावर इसकी है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर। तो नॉर्मल जो हमारे अडेप्टर होते हैं उस पर भी वर्क करेगा। और अगर हम इसको खोलें, ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लैन पोर्ट दिया गया है, साथ में ये रीसेट का बटन है और ये इसका पावर सॉकेट दिया गया है। तो ये चीज़ है और इसको आप इजीली हैंग कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी पाइप पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज़। तो एक तो ये है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मिलता है ये POE। ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा POE है। यहाँ पर DC के लिए सॉकेट दिया गया है, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर के लिए POE है, पावर ओवर ईथरनेट, एंड देन एक लैन पोर्ट है। तो इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और साथ में इसके ये एडेप्टर दिया गया है 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का। तो एडेप्टर आपने यहाँ पर लगाना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर एक POE लगाओगे आप, एक लैन वायर लगाओगे जिसके थ्रू पावर और सिग्नल दोनों इस डिवाइस तक जाएंगे यहाँ तक। और उसके बाद ये जो लैन है यहाँ से आप अपने जो आपका स्विच होगा या आपका कैमरा होगा उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये केबल टाई दी गई है इसको हैंग करने के लिए पोल पर। और उसके अलावा कुछ बुकलेट्स हैं यहाँ पर, और
ये स्क्रू है इसका, तो यही कुछ है इसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले केबल टाई स्क्रू, ये हमारे पास टेंडा का राउटर है, डेट इज पीओई और ये एडेप्टर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फटाफट कनेक्ट करेंगे। इसको हम बनाएंगे स्टेशन और दूसरे को हम बनाएंगे एपी, जो हमारा एक्सेस पॉइंट होगा, या एक को एक्सेस पॉइंट और दूसरे को क्लाइंट। तो फटाफट हम इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने कंप्यूटर पर इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो गाइस, ये देखिए हमारे पास है टेंडा का आरएफ डिवाइस। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिग्नलिंग भी दी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एलईडी 3, एलईडी 2, 1, वाईफाई, पीओई लैन, तो ये सब सिग्नल दिए गए हैं। साथ में हमारे पास है ये कैमरे, तो ये धुआ के कैमरे हैं, ये देखिए। और साथ में हमारे पास है ये डेस्कटॉप का स्विच, जिसके थ्रू हम इन सब कैमरों को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लैपटॉप से इनको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से इनको कॉन्फ़िगर करना है। सो गाइस, देखिए हमने लैन केबल ले ली है और साथ में हम लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इनके साथ। तो काफ़ी ज़्यादा होच पोच हुई पड़ी है, ये देखिए इतना मटेरियल हमारे पास है। तो ये सारा साइट पर जाएगा और साइट पर जाकर हम इंस्टॉल करेंगे इन सबको। पर देखिए हमने लैन केबल जो हमारा आरएफ डिवाइस है टेंडा का, उसमें लगा दिया। और देखिए इस लैन केबल का दूसरा पार्ट हमने पीओई में लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हम इस एडेप्टर को इस पीओई में लगाएंगे ताकि ये ऑन हो जाए। और साथ में यहाँ पर जो ये दूसरा लैन पोर्ट है, यहाँ से हम एक लैन केबल अपने लैपटॉप में लगाएंगे। हमने कनेक्ट कर दिया और इसकी पावर हो चुकी है ऑन। तो पीओई का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हम दूसरी लैन केबल लगाएंगे। सो गाइस, ये देखिए इस तरह से हमने लैन केबल का दूसरा पार्ट हम लगाएंगे लैपटॉप में। तो इसके पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस भी दिया गया है 192.168.2.1। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आईपी एड्रेस इसका साइन करना आप कर सकते हो। तो अभी हम चलेंगे अपने लैपटॉप पर और इसका जो आईपी है वो बनाएंगे दोबारा। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करना है, जो हमारे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है उसको हमने सेम सीरीज़ में करना है जैसा कि हमारे आरएफ डिवाइस का है। तो हमारे आरएफ डिवाइस का है 2.1, तो हम क्या करेंगे, चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएंगे, ईथरनेट में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टी में और उसके बाद अपने लैपटॉप का आईपी चेंज करेंगे। तो IPv4 में जाएंगे और यहाँ पर देखिए मैं डाल देता हूँ 192.168.2. उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 101 डाल दिया तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट जो तीन डिजिट है, जैसे 192.168.2, ये सेम होनी चाहिए, सेम आपके राउटर की जो आपका आरएफ डिवाइस है और सेम आपके लैपटॉप की। तो मैंने देखिए गेटवे भी डाल दिया और उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये हमारा लैपटॉप रेडी हो चुका है। तो आपने हर जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट करता है तो उसकी सीरीज़ में अपने लैपटॉप को करना है। तो देखिए अभी हमने जो हमारे आरएफ डिवाइस है उसका आईपी यहाँ पर हम डालेंगे 192.168.2.1, क्योंकि 2 की सीरीज़ में है तो 2.1 डालेंगे। इसी वजह से हमने जो हमारे लैपटॉप का आईपी है वो 2 की सीरीज़ में ही किया है। तो देखिए जैसे ही हम डालेंगे तो ये हमारा जो आरएफ डिवाइस है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन है और जो पासवर्ड है वो भी एडमिन है। तो हम एडमिन डाल देंगे और लॉगिन करेंगे। तो हमारे लॉगिन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली एपी पर सिलेक्ट है। एपी का क्या मतलब होता है, एपी का मतलब होता है जो आपका ट्रांसमीटर होगा, जो एक एंड से आपको सिग्नल भेजेगा। तो हमने फर्स्ट को एपी ही बनाना है और एपी हम वहाँ पर ही बनाएंगे जहाँ पर हमारे सारे कैमरे इंस्टॉल्ड होंगे। तो जहाँ पर हमारे कैमरे इंस्टॉल हो गए वो होगा एपी। तो अभी हम सबसे पहले कैमरे वाले जो आरएफ डिवाइस है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए SSID है, यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने CCTV डाल दिया है। उसके बाद चैनल को हम ऑटो पे रखेंगे और जो सिक्योरिटी मोड है उसको हम हाईएस्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डालना है यहाँ पर पासवर्ड। तो पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं green123 डाल देता हूँ और उसके बाद करूँगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द डिवाइस इज़ सेट टू AP और उसके बाद हमने अप्लाई करना है। तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो राउटर है वो रिबूट होगा। तो लेट्स वेट कि कितनी देर में हमारा राउटर रिबूट होता है और वापस से कनेक्ट होता है। सो जब भी आप कोई भी सेटिंग करेंगे तो राउटर रिबूट होगा ताकि सेटिंग प्रॉपरली सेव हो जाए। तो देखिए हमारा वापस से कनेक्ट हो चुका है आरएफ डिवाइस। तो हम वापस से पासवर्ड डालेंगे एडमिन और इसको कनेक्ट करेंगे वापस से।
सो गाइज़ ये देखिए हमारा जो RF डिवाइस है वो वापस से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम नेटवर्क में जाएंगे और इसका IP एड्रेस चेंज करेंगे। देखिए IP एड्रेस चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसी सीरीज़ में जो आपका RF डिवाइस है वो लेके आना है, जिस सीरीज़ में आपके कैमरे हैं, जो IP कैमरे आप इंस्टॉल करोगे, तो वही सेम सीरीज़ RF डिवाइस की भी होनी चाहिए और वही सेम सीरीज़ आपके NVR की भी होनी चाहिए। तो मैं 1 की सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे जो कैमराज हैं वहाँ पे वो 1 की सीरीज़ में ही है। तो मैं यहाँ पर 1 की सीरीज़ बना देता हूँ 192.168.1.50। तो हमने 1 का 50 रखा है जो फर्स्ट हमारा RF डिवाइस है। जो हमारा सेकंड डिवाइस होगा, जो क्लाइंट होगा, जो रिसीवर होगा, उसका हम 51 करेंगे। तो ये देखिए अभी ये सेटिंग सेव हो रही है और जो हमारा IP एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली 1.50 पर चला जाएगा। जो हमारा RF डिवाइस है उसका IP एड्रेस 1.50 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.50 करेंगे। लेकिन 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 उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने लैपटॉप का IP चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लैपटॉप की सीरीज़ है वो 2.1 की है, जो कि जबकि हमने RF डिवाइस की सीरीज़ 1.50 की बना दी है। तो वापस से हम जाएंगे इथरनेट में, प्रॉपर्टीज़ में, और वापस से अपना जो लैपटॉप का IP है चेंज करेंगे। तो आपको एड्रेस, IP एड्रेस चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपकी चीज़ कनेक्ट नहीं होगी। तो मैंने 2 की जगह देखिए 1 कर दिया है। तो अभी मैं वापस से जाऊंगा अपने क्रोम ब्राउज़र में और जो हमारा राउटर है उसको देखूंगा। तो ये देखिए हमारा जो 1.50 है वो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि हमने सर्च किया हुआ था। जो जैसे ही हमने लैपटॉप का IP एड्रेस चेंज किया तो हमारा जो RF डिवाइस है वो आ चुका है। तो ये देखिए मैंने वापस से लॉगिन कर दिया है। तो अब हम जाएंगे वायरलेस में और देखिए यहाँ पे कंट्री रीज़न है, इसको हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर SSID CCTV लिखी हुई है। देन अगर हम पासवर्ड देखें तो पासवर्ड भी हमारा जो हमने डाला था वही है। तो इसको अब हम सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है AP की, AP मतलब एक्सेस पॉइंट, मतलब जो ट्रांसमीटर है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी हम अपने दूसरे RF डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। सो गाइस अभी हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा जो RF डिवाइस है हमने वो भी कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, तो जो ये लैन केबल है इसको हम यहाँ से स्विच आउट करेंगे और उसमें लगाएंगे, हम लगा देंगे। तो ये देखिए हमने लगा दी है। तो हम वापस से दोबारा से इस पर जाएंगे और कनेक्ट करेंगे इसको। सो गाइज़ अभी हम अपने लैपटॉप के साथ दूसरा RF डिवाइस कनेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने लैपटॉप का IP फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट हमने RF डिवाइस का IP 1.50 कर दिया था। तो 1 की सीरीज़ में हमारे लैपटॉप का IP है, ये देखिए। तो इसको हम वापस से 2 की सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि जो हमारा नया RF डिवाइस है वो 2 की सीरीज़ का है। तो ये देखिए हमने 2 की सीरीज़ में इसको कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और जो हमारा नया RF डिवाइस है उसको ओपन करेंगे। तो जो RF डिवाइस है उसका IP एड्रेस है 192.168.2.1, तो डिफ़ॉल्ट IP यही होता है। तो ये देखिए हमारा जो RF डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन डालना है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी एडमिन डालना है। तो देखिए हमने एडमिन डाल दिया और हमारा लॉगिन हो गया है। तो देखिए वापस से AP पे सेट है, तो इसको हम करेंगे क्लाइंट पे सेट, क्योंकि ये रिसीविंग एंड पर होगा जहाँ पर हमारा NVR या फिर DVR लगेगा, तो उसको हमने वहाँ पर करना है। तो देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे और देखिए जैसे ही हमने स्कैन किया, CCTV के नाम से हमारा RF डिवाइस जो हमने इससे पहले कॉन्फ़िगर किया था वो आ चुका है, क्योंकि वो भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है इसके सामने। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए अगर हम सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करें तो -28 dBm आ रहा है, क्योंकि ये पास रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको 70 से कम ही रखना है जब भी हम साइट पर इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा अपस्ट्रीम जो AP है वो आ गया CCTV के नाम से, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। उसका MAC एड्रेस आ चुका है, सिक्योरिटी मोड आ चुका है और की आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से इसका भी एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे ताकि और कोई इससे कनेक्ट ना हो सके। और उसके बाद देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, तो IP एड्रेस चेंज करने का भी ऑप्शन हमारे पास यहीं आ गया। तो इसका हम क्या करेंगे, 1.51 कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो दोबारा से ये रीबूट होगा और रीबूट होने के बाद इसका जो IP है वो 1.51 की सीरीज़ में बन जाएगा और जो हम ये वाला RF डिवाइस है, जो हमारा रिसीविंग एंड है, वो ट्रांसमिटिंग एंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा नेटवर्क है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा
और नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, हम इजीली अपने कैमरों को NVR की तरफ देख सकते हैं। सो अभी हमें फिर से अपने लैपटॉप का IP1 की सीरीज़ में करना होगा, क्योंकि हमारे जो दोनों RF डिवाइस है उसको हमने 1 की सीरीज़ में कर दिया है। तो वापस हम 1 में करेंगे इसको और ओके करेंगे, तभी हमारे दोनों RF डिवाइस कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये देखिए हमने कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और देखिए यहाँ पे 51 का IP है और ये देखिए हमारा IP आ चुका है। तो वापस से हम लॉगिन करेंगे इसको और देखेंगे कि प्रॉपर कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो सिस्टम स्टेटस है वो आ चुका है। सो अभी मेरे दोनों डिवाइस हो चुके हैं कनेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए एडवांस IP स्कैनर है। तो एडवांस IP स्कैनर में क्या होगा, तो जितने हमारे IP हैं इस नेटवर्क में वो सारे आ जाएंगे। तो लेट्स सी हमारे दोनों डिवाइसेस आते हैं या नहीं आते हैं। सो गाइज़ ये देखिए हमारे डेस्कटॉप का IP आ चुका है यहाँ पर, और ये देखिए हमारे दोनों डिवाइसेस का IP भी आ चुका है। सो हमारे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो चुके हैं। सो गाइज़ ये देखिए हमारी जो लैन केबल है वो इससे कनेक्टेड है, उस राउटर से जो लैन केबल है वो नहीं कनेक्टेड है। तब भी हमारे जो कंप्यूटर में है वो दोनों ही राउटर्स, दोनों ही RF डिवाइस आ रहे हैं। तो अभी हम इससे क्या करेंगे, कैमरा कनेक्ट करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं हमारा कैमरा लैपटॉप में आता है या नहीं आता। लेट्स सी, ये बस यहाँ लगा दे। तो ये देखिए गाइस, ये हमने जो हमारे टेंडा का राउटर है वो कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ये देखिए ये लैन केबल के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये लैन केबल जा रही है वहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लैन केबल को हम कनेक्ट करेंगे अपने कैमरे से। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा हिकविजन का कैमरा पड़ा हुआ है, तो इस कैमरे से कनेक्ट करेंगे। और जो डिस्टेंस है मैं आपको दिखाऊं, जो हमारा क्लाइंट है वो वहाँ पर है, तो उस जगह पर हमारा क्लाइंट है, यहाँ पर हमारा AP रहेगा और जो ये कैमरा है ये उसके साथ कनेक्ट होगा। तो हमने यही देखना है कि किस तरह से कैमरा कनेक्ट होता है उसके साथ। सो गाइज़ ये देखिए हमने POE कनेक्ट कर दिया है, वहाँ पर इसका अडेप्टर लगा दिया है और ये जो POE है ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए POE से हमारी जो पावर है वो गई है यहाँ से घूमकर हमारे डिवाइस में, डिवाइस हमारा ऑन हो चुका है RF डिवाइस। और जो दूसरी वायर है, जो लैन वायर है देखिए इसकी, यहाँ पर जो ये लैन वायर है वो यहाँ पर गई हुई है घूमकर। यहाँ पर देखिए ये हमारा IP कैमरा हिकविजन का यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में इसको पावर हमने इस अडेप्टर से दे दिया। तो ये देखिए यहाँ पर पावर दे दिया है, यहाँ पर हमने लैन प्लग कर दिया और ये इस तरह से हम डिवाइस यहाँ पर रखेंगे सामने। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर हमारा पड़ा है क्लाइंट, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा पड़ा है लैपटॉप, ये बाकी सामान है। और अभी हम देखते हैं, मुझे उसका IP एड्रेस नहीं पता कि क्या IP एड्रेस है। तो ये देखिए हमारा क्लाइंट भी POE से कनेक्टेड है, तो हमारा क्लाइंट भी POE से कनेक्टेड है और साथ में ये जो दूसरी वायर है वो लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो एक वायर को हमने POE से कैमरे में कनेक्ट किया हुआ है उधर AP की तरफ, और दूसरे यहाँ पर जो लैन वायर है उसको हमने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया ताकि वो कैमरा हमारे लैपटॉप में आ सके। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो IP कैमरा वो यहाँ पर शो होता है या नहीं होता। सो गाइज़ हम फिर से आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो ये देखिए हमारा जो RF डिवाइस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, और यहाँ पर देखिए एडवांस IP स्कैनर में हमारा डेस्कटॉप का IP आ रहा है, ये हमारा जो फर्स्ट RF डिवाइस है उसका आ रहा है और जो सेकंड RF डिवाइस है उसका भी आ रहा है। तो अभी हम इसको दोबारा से सर्च करते हैं और देखते हैं जो हमारा हिकविजन का कैमरा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्कैनिंग में आना चाहिए अगर हमारा जो दोनों RF डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये देखिए हमारा डेस्कटॉप फिर से आ चुका है और ये हमारा फर्स्ट RF डिवाइस आ चुका है, देन सेकंड RF डिवाइस भी आ चुका है और ये देखिए हमारा कैमरा भी आ चुका है। 1.96 हमारे कैमरे का IP है हिकविजन का। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में लॉगिन करते हैं हमारे कैमरे के IP को। तो ये देखिए हमारा जो लॉगिन पेज है ये ओपन हो चुका है, और इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो यूज़र नेम है वो डालेंगे, देन पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो ओपन होता है या नहीं होता, हम कैमरे को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये देखिए हमारा जो कैमरा है उसको हमने एक्सेस कर लिया, यानी कि हमारे दोनों RF डिवाइस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। सो गाइस ये देखिए हमारा कैमरा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमारा AP है,
और बीच में कोई भी वायर हमने नहीं लगाई हुई है, और वहाँ पर हमारा जो एपी पड़ा है वो है, और इधर हमारा क्लाइंट है। तो हमने यहाँ पर ऐसे सेट इसको किया हुआ है, आमने सामने है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। हमने टेंडा के आरएफ डिवाइस को अनबॉक्स करके दिखाया, उसको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाया, कैसे आपने दोनों की पेयरिंग करनी है, कैसे आपने एक को स्टेशन बनाना है और दूसरे को एपी बनाना है, एक्सेस पॉइंट बनाना है, और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगी। और साथ ही हिकविजन का कैमरा हमने आपको दिखाया कि कैसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं हिकविजन का कैमरा दूसरे एंड पर। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, साथ ही हम साइट पर भी जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास जो DVR है वो CP+ का है, और जो हमारे पास कैमरे है वो धुआ के है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि DVR को NVR में कैसे चेंज करना है, कि कुछ कैमरे आप एनालॉग यूज़ कर सको, कुछ कैमरे आप IP यूज़ कर सको, और साथ ही किस तरह से आप उन कैमरों का कम्युनिकेशन, जो गोडाउन पे कैमरे लगे हुए हैं, जो हम नए IP कैमरे गोडाउन पर लगाएंगे, उसका कैसे कम्युनिकेशन आप धुआ के CP+ के DVR में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऑन साइट लेके चलेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।